welcome back to Kataria's Indian Kitchen. So friends, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारी बेकिंग क्लास का डे है 28th और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एगलेस ब्लूबेरी केक की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ये केक तैयार करेंगे। बेकरी जैसा बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट ये केक आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इस केक को डेकोरेट करने के लिए हमने किसी भी नोजल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस केक को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस केक को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लूबेरी जो केक है उसके लिए चाहिए होगा केक स्पॉन्ज। तो ये केक स्पॉन्ज मैंने बनाया है होममेड प्रीमिक्स के साथ और ये 6 इंच के केक टिन में मैंने इसे बेक किया है। 1/2 kg का हम ब्लूबेरी केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो केक स्पॉन्ज मैंने तैयार किया है, आप ये कैसे बनाएंगी, इसकी जो डिटेल रेसिपी है उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर से उसे चेक कर सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल प्रीमिक्स भी आप बनाकर उसमें से भी आप ये केक स्पॉन्ज बना सकते हैं। तो दोनों की रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर से उसे चेक कर लें। तो अब सबसे पहले हम केक स्पॉन्ज को इस तरीके से लेयर्स में कट कर लेंगे। केक स्पॉन्ज को इस तरीके से पहले आप चाकू की हेल्प से कट लगा लें, फिर कोई भी धागा यानी कि थ्रेड इस्तेमाल करके इस तरीके से क्रॉस में करते हुए आप केक को अच्छे से लेयर्स में कट कर सकते हैं। तो केक को हमें यहाँ पे 3 लेयर्स में इस तरीके से कट करना है। तो केक की मैंने यहाँ पे ये 3 लेयर्स कट कर ली है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने यहाँ पे 1 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है। क्रीम बिल्कुल लिक्विड है और एकदम अच्छे से चिल्ड हो यानी कि ठंडी होनी चाहिए। अब हम लगभग इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से व्हिप कर लेंगे या फिर तब तक जब तक इस पर अच्छे से स्टी पीक्स बनने लगे। तो क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो गई, अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं और यहाँ पर केक बोर्ड पे थोड़ा सा फिर हम ये क्रीम लगा देंगे जो तैयार किया है। और इस पर हमारी जो केक की जो सबसे बीच वाली लेयर थी वो मैंने रख दी है सबसे नीचे। इसे हम अब अच्छे से पानी से सोक कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे शुगर सिरप का इस्तेमाल करके केक स्पॉन्ज को सोक कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम यहाँ पे ये ब्लूबेरी का क्रश डाल देंगे, थोड़ा सा लगभग 1 से 1.5 बड़ा चम्मच। इससे ये होगा जो आपका केक स्पॉन्ज है उसमें भी बहुत ही टेस्टी सा एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आएगा ब्लूबेरीज का। तो इस तरीके से केक स्पॉन्ज पे थोड़ा सा पहले आप ब्लूबेरी क्रश डाल दें और उसके बाद फिर हमने जो तैयार की हुई क्रीम है इसे हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर क्रीम को स्प्रेड करने के बाद वापस से हम यहाँ पे इस पे लगभग 2 बड़े चम्मच के जितना ब्लूबेरी क्रश डाल देंगे। आप चाहें तो इसके साथ थोड़े से व्हाइट चॉकलेट को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हमारे केक की जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी उसे मैंने उल्टा करके रख दिया है, इसे भी हम पानी से अच्छे से सोक कर लेंगे। तो सोक करने के बाद वापस इसके ऊपर थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच के जितना क्रश डाल देंगे और इसके ऊपर अच्छे से अब हमारी क्रीम को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो क्रीम को अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लें और साइड से भी हम थोड़ा सा क्रीम से अच्छे से इसे कवर करते जाएंगे क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप है, उसे अच्छे से आप क्रीम से कवर कर लें ताकि जो हमारा केक है वो बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधा बने। तो अच्छे से इसे मैंने कर लिया है और इसके ऊपर वापस मैंने यहाँ पे ये ब्लूबेरी का क्रश डाल दिया है। अब इसके ऊपर हमारे जो केक की सबसे नीचे वाली लेयर थी उसे हम उल्टा करके रख देंगे और इसे भी पानी से अच्छे से सोक कर लेंगे। केक स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे और केक को हम कर लेते हैं यहाँ पे क्रम कोट। साइड से भी क्रीम लगाते हुए केक को अच्छे से क्रम कोट कर लें ताकि जो छोटे छोटे केक के क्रम है वो अच्छे से क्रीम में सेटल हो जाए। क्रम कोट करने के बाद केक को हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने देंगे। उसके बाद हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे अब मैंने ले लिया है न्यूट्रल जेल। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे ताकि ये लिक्विड थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए ताकि हम इसके अच्छे से ड्रिप्स बना सकें। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके जेल की, आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये पर्पल कलर का जेल फूड कलर। तो इसका सिर्फ हम इसमें 1 ड्रॉप डाल देंगे। आप चाहें तो लिक्विड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे हम एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे और अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर केक को मैंने निकाल लिया है फ्रिज से लगभग 15 मिनट के बाद। इसकी हम फाइनल फिनिशिंग कर लेते हैं। अच्छे से इस पर क्रीम लगा लेंगे ऊपर से और साथ ही साइड में भी अच्छे से क्रीम लगाते हुए हम केक को अच्छे से फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो जितना हो सके आप इसकी फिनिशिंग करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप कोई भी स्क्रैपर ले सकते हैं या फिर कोई भी आपके पास पुराना कार्ड हो उससे आप इस तरीके से अपने केक को फाइनल फिनिशिंग दे सकते हैं। साइड से भी अच्छे से हम बिल्कुल इसे स्मूथ सी फिनिशिंग दे देंगे और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा क्रीम लगा है उसे भी हम इस तरीके से अच्छे से निकालते हुए इस केक
केक की फिनिशिंग कर लेंगी। तो केक की फिनिशिंग होने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरीके से ड्रिप्स बना देंगे। तो न्यूट्रल जेल जो हमने इस्तेमाल किया है उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और एक हल्का सा पाइपिंग बैग पे कट लगा लिया है और इस तरीके से हम केक को यहाँ पर डेकोरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ड्रिप्स बना लेंगे और हमारा केक हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिप्स बनाने के बाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है। केक को डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी अपनी पसंद के फ्रेश फ्लावर्स का या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लावर्स लिए हैं जिसे मैंने इस तरीके से थोड़ा सा सिल्वर फॉइल से अच्छे से नीचे से कवर कर लिया है। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फ्रेश वाले फ्लावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो सेंटर में या फिर साइड में इस तरीके से अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद की कोई भी नोज़ल का इस्तेमाल करके भी अपने केक को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और थोड़े से इसके ऊपर हम यहाँ पर ये डाल देंगे शुगर बॉल्स। तो मैं यहाँ पे ये थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ अच्छे से हमारे केक को और भी हम बढ़िया सा एकदम लुक देने के लिए। आप चाहें तो अपनी पसंद के यहाँ पे कोई और चीज़ें भी इस्तेमाल करके केक को डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये गोल्डन कलर की एक बटरफ्लाई है, साथ ही मेरे पास कुछ यहाँ पे स्टार्स हैं तो मैं ऐसे भी लगा रही हूँ इस तरीके से ताकि हमारा जो केक है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। तो इस तरीके से इसे रैंडमली लगा देंगी और हमारे केक को डेकोरेट कर लेंगी। आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही सुंदर लग रहा है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना कोई नोज़ल का हमने इस्तेमाल किया है और बिल्कुल आसानी से हमने इस केक को डेकोरेट कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से बिल्कुल सिंपल और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बिल्कुल बेकरी स्टाइल ब्लूबेरी केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।